हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर का प्रीवियस ईयर्स आर्क्स क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं प्रेजेंट करता हूं। मैं एवरीडे दो क्वेश्चन आपकी सेवा में लाता हूं, तो आज भी मैं लाया हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने दो क्वेश्चन लिया हूं और ये जून 2019 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आया था। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है? तो थोड़ा सा डिफिकल्टी भी लगेगा, बहुत लोग भी लाए। थॉमस डबल डे, जो थॉमस डबल डे है वो किस चीज के लिए कंसर्न है या एसोसिएट है? उनका नाम डायट थ्योरी, ठीक है? लेकिन थॉमस सैडलर उनका जाना जाता है डैस्टेनी थ्योरी। ये दोनों आपको गड़बड़ा सकता है, ये आप कर सकते। बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा क्या कि ये लीबेंस्टीन, ठीक है? लीबेंस्टीन एक मोटिवेशनल जो थ्योरी पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स या डेमोग्राफी पढ़ोगे तब पता चलेगा, मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्राउंड दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था बायोलॉजिकल थ्योरी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है? थॉमस डबल डे, ठीक है, डाइट थ्योरी। फिर थॉमस सैडलर, इनका नाम किसके साथ एसोसिएट है? डैस्टेनी थ्योरी वन, फिर लीबेंस्टीन फोर, ठीक है, मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और हर्बर्ट स्पेंसर बायोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। अगर मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पर वीडियो चाहिए या डैस्टेनी थ्योरी पर या राइट थ्योरी पर, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया हूं कि एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और उसका वैल्यू माने डिटरमिनेंट ए का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो मैं इसका सलूशन प्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो, इसमें थोड़ा सा मैट्रिक्स का क्लियर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो नोटेशन का अंतर होता है, इस तरह मैट्रिक्स इस तरह होता है, जैसे ये वाला है डिटरमिनेंट ऐसा होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता है, उसको वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा सा कंसेप्ट आप और जान लो, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी 3 रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम भी 3 है, ये 3x3 इसको कह सकते हैं, ठीक है। जो इसको हम A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये अपना मन से मैंने नहीं लिखा हूं, इसका एक एक मीनिंग है। A11 जो पहला में A11 कह रहे हैं, जो पहला जो नंबर वो रिप्रेजेंट करता है रो को और दूसरा नंबर कॉलम को। अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा रो क्या है। जो हॉरिजेंटल एक है, ये है, ये है रो है। जो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हॉरिजेंटली हम इस तरह देख रहे हैं तो वो रो है, अगर किसी एलिमेंट को अगर हम वर्टिकली देख रहे हैं तो वो कॉलम है। तो यहाँ A11 का मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 तो A1 मतलब रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड, आप एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे A23 यानी 2-3 यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये हो गया, ये एलिमेंट है, -5 है, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसको लिखने का कुछ लॉजिक था, अभी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर हम प्लस माइनस प्लस ये निकालने का तरीका, पहले साइन को बैठाना पड़ता है अगर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, वो भी अपनी मर्जी से हमने नहीं किया। लेकिन ये आइडिया आप जान लो, ये देखो इसको दोनों को जोड़ दो, 1 + 1 = 2, अगर इधर नंबर आ रहा है तो प्लस साइन होगा, अगर 1 + 2 = 3, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो क्या साइन होगा, माइनस होगा, देखो इसका फिर प्लस होगा, इसलिए यहां लिखे। आप इधर से भी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी रो को छांटकर और कॉलम से,
जैसे ही मैंने इसको ले रहा हूँ, रो को ले रहा हूँ, तो प्लस सिक्स बाय लिख दिया, तो उसके बाद टू बाय टू का मैट्रिक्स सेटअप करना पड़ेगा। कैसे? वो सारा एलिमेंट को, रो का सारा एलिमेंट और कॉलम का सारा एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा, किस रो और किस कॉलम में, जिसमें हमारा सिक्स आएगा। तो ये था, तो पता क्या, ये वाला टू बाय टू में माइनस एलेवन माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस टू, उसके बाद क्या है माइनस फाइव, माइनस को साइन देना। ये अब इस एलिमेंट को जब चूज किए तो ये सारा रो के एलिमेंट कैंसिल और इस कॉलम के सारा एलिमेंट कैंसिल, तो बच रहा है टू बाय टू में थ्री बाय थ्री माइनस फाइव माइनस टू। और उसी तरह इसका प्लस फाइव हम लेते हैं, तो इसका जितना भी रो और कॉलम जिस रो या ये कॉलम में फॉल करता है उसके सारे एलिमेंट को डिलीट कर दो। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या थ्री थ्री माइनस इलेवन माइनस फाइव, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, सिक्स तो आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। यहां माइनस अपना मन से देना है, घट जाता है, दोनों को डायगोनली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, माइनस इंटू माइनस प्लस, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अब यहां माइनस फाइव, यहां करो माइनस टू थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, माइनस यहां बाय डिफॉल्ट आएगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहां फिर प्लस हो जाएगा, प्लस फिफ्टीन, ठीक है। प्लस फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस माइनस थ्री इंटू माइनस इलेवन, तो माइनस इलेवन माइनस थर्टी थ्री, तो माइनस इंटू माइनस प्लस थर्टी थ्री। किसी को दिक्कत हो गया तो थोड़ा सा, बहुत सारे वीडियो मैंने, आप कमेंट करना, मैं और डिटेल में बना दूंगा। सिक्स इंटू माइनस थ्री, यहाँ फाइव, यहाँ पर हो जाएगा इंटू नाइन, और यहाँ पर हो जाएगा फाइव इंटू एटीन होगा, ठीक है। अब सिंपली सिक्स थ्री जा एटीन माइनस एटीन, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, एटीन फाइव जा नाइनटी, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, आई थिंक सिक्सटी थ्री होगा, थर्टीन सिक्सटी थ्री, तो माइनस सिक्सटी थ्री प्लस नाइनटी, अब नाइनटी में सिक्सटी थ्री, मतलब यहाँ नाइनटी रुपीज आपके पॉकेट में, माइनस सिक्सटी थ्री रुपीज आपने कर दिया, कटा दो, टेन में सेवन टू ट्वेंटी सेवन, तो इसका वैल्यू क्या होगा ट्वेंटी सेवन, सी इज करेक्ट आंसर। और आज रात तक आपको अराउंड 12 बजे तक मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन एनटीए यूजीसी नेट पेपर टू का आज से टॉपिक का भी वीडियो मैं बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, जय हिंद।